हालेलुया, सब कुछ जैम सी की और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। और सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और हर जगह मसीहत का विरोध हो रहा है हर जगह। और मिलकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के नाम से जो भी विरोध हो रहा है, प्रभु के नाम से जो भी लोगों को भड़काया जा रहा है, तो आइए जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु जो भी शैतान उलझने डाल रहा है सारे उलझने दूर होने पाए। जो भी राजनीति पार्टी में उलझने आ रही हैं और प्रभु के नाम से वो हर एक प्रॉब्लम दूर होने पाए। जो भी मसीहों पर अत्याचार हो रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से मसीहों पर अत्याचार होना बंद हो जाए। वो राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु, जो भी मसीहों पर झूठे केस हो रहे हैं मेरे पिता, वो रद्द हो जाए मेरे पिता और खारिज हो जाए मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो मसीह लोगों के परिवार को तंग किया जा रहा है मेरे पिता, जो पास्टर जी लोगों को तंग किया जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो कि हर जगह विरोध विरोध हो रहा है मेरे पिता, ऐसा विरोध शांत हो जाए मेरे पिता। हम मानों को बदलने वाले हैं मेरे पिता, और हमेशा आप अपने लोगों को विजय देते हैं मेरे पिता। हमें विश्वास है आप हर एक केस से जिताएंगे मेरे पिता। और प्रभु जी, जो भी मसीहत का विरोध हो रहा है, जो भी पास्टर पर प्रॉब्लम आ रही है, हर एक प्रॉब्लम्स प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हम सब मिल के मांगते हैं प्रभु उनके पास्टर लोगों की फैमिली पे और पास्टर लोग खुद पे, उनके कलीसिया पर आपकी दया बनी रहे और आशीष रहे। जहाँ जहाँ मसीहत का विरोध हो रहा है सब विरोधी शांत हो जाएं प्रभु, उनके मनों को बदलें और आशीष दो। आमीन, हालेलुया। सो मेरा टॉपिक कुछ और था, लेकिन मैं चाहता था कि आज तारीख है 11 सितंबर, ठीक है, तो आज आप तारीख नोट कर लें। परमेश्वर आज का दिन आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है, हालेलुया, और निश्चय परमेश्वर करेंगे प्रभु। और मैं सिर्फ प्रार्थना करने वाला हूँ और आपने रिसीव करना है, बस मैं सिर्फ प्रार्थना करूँगा, आपने सिर्फ रिसीव करना है कि हाँ आमीन 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 और आमीन, वही आपके जीवन में आज 11 तारीख को आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है, हालेलुया। आपने आँखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। उससे पहले मैं एक दो वचन पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप पवित्र बाइबल में से वचन को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 28:8-12 में लिखा गया है कि तेरे खतों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा तुझे आशीष देगा। आप जितने भी कामों में हाथ लगाओगे परमेश्वर उन्हें सफल करेगा, हालेलुया। और दूसरी बात लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 33 में, हे यहोवा उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों के सेवा का ग्रहण कर। लिखा कि परमेश्वर आपकी संपत्ति को बढ़ाने जा रहा है, हालेलुया। और लिखा हुआ है धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। जैसे आप लोग कौन हो, आप लोग धर्मी लोग हो और आप खजूर की तरह फूलो। खजूर कितना ऊंचा जाता है और कितना ऊंचा फल देता है, और सब लोग सिर उठा के उसको उसके फल को देखते हैं। और आप लोग कौन हो, धर्मी लोग, और आप लोग भी ऐसी बड़ी आशा होंगी कि लोग सिर उठा के आपको देखेंगे, अरे यार ये तो बहुत ही बड़ा आदमी बन गया, इसके परिवार में तो बड़ी आशीष है, इसके परिवार में तो बड़ा सुख है, इसके परिवार में तो बड़ी आशीष है, ये सब। क्योंकि बहुत सी आज मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। बस आप रिसीव करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने आंखों को बंद करें, आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा कि आज इनके लिए प्रार्थना कर और इनके बीच में चमत्कार होने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो फूल नहीं रहे हैं, जो मुरझा गए हैं मेरे पिता, आज मेरे पिता उनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। मेरे पिता जो सूख गए हैं मेरे पिता, आपका वचन कहता है क्या फूलोगे फलोगे, लेकिन फूल फल नहीं रहे मेरे पिता, लेकिन इस प्रार्थना के बाद वो फूलें, उनका घर परिवार फूले, हर एक बांझपन दूर होने पाए, हर एक समस्या दूर होने पाए, इनके घर से संकट दूर होने पाए, इनके घर से बेचैनी दूर होने पाए प्रभु, इनके घर से लड़ाई झगड़ा दूर होने पाए, इनके घर में खुशहाली आने पाए, इनका घर ब्लास रहे, इनके घर से हर एक बंधन को तोड़ते हैं, इनके घर से हर निराशा के बंधन को तोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके घरों में आशीष आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये ब्लेस होने पाए और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु ये तृप्त होकर खाने पाए मेरे पिता। और मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ कि जो भरपेट खाना ही नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो कहीं की सैलरी रुक चुकी है, उनके कर्जे के नीचे दबे हुए हैं और कहीं के घर के हालात ऐसे कि वो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। लेकिन प्रभु जी आज 11 सितंबर 2022 मेरे पिता इनका जीवन मदद कार्य हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और मेरे पिता ये तृप्त होकर खाने लगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये ब्लेस होकर खाने लगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आपने कहा कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी मेरे पिता। और जो ऐसे लोग जिन्होंने आप पर आशा लगा के रखे हैं, जिन्होंने आप पर आशा लगाई है मेरे पिता, आज मेरे पिता उनकी प्रार्थना को सुने
आज उनके प्रार्थना को सुने, आज उनकी आशाओं को देखें, आज उनकी प्रार्थना को सुने। और राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु, आज मेरे पिता आप जानते हैं कि मेरे पिता आपसे क्या मांग रहे हैं। उनकी आशा ना टूटने पाई मेरे पिता, आपका वचन कहता है कि तुम्हारी आशा नहीं टूटने पाएगी। और जो बेचारे आप पर एक आस उम्मीद लगा कर बैठे हैं, उनकी प्रार्थना को आज सुनो मेरे पिता, और उनके बीच में अद्भुत कार्य करो। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे जिस काम में हाथ लगाते हैं उसमें फ्लॉप, चलो ये काम कर लेते हैं उसमें फ्लॉप, चलो ये काम कर लेते हैं इसमें फ्लॉप। पिता का काम नहीं मिल रहा है, बेटों को काम नहीं मिल रहा है, बहू को काम नहीं मिल रहा है, माँ को काम नहीं मिल रहा है, बेटियों को काम नहीं मिल रहा है, बेचारे जिस काम में हाथ लगाते हैं उस काम में असफल हो जाते हैं। मेरे पिता आज मेरे पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता जो असफल हो रहे हैं मेरे पिता, यह हर एक असफलताएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होनी पाई मेरे पिता। देखने वाले परमेश्वर अपने दया वाले हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, इनका बीच मजबूत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे ब्लेस होने पाए, ये आशीष होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ये आशीष तो नहीं पाए मेरे पिता। और आपका वचन में लिखा हुआ है कि मेरे पिता आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उसकी संपत्ति को बढ़ाओगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उसकी संपत्ति बढ़ जाएगी मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जिनकी संपत्ति नहीं बढ़ पा रही है मेरे पिता, इनकी संपत्ति बढ़ने पाए मेरे पिता, इनकी संपत्ति बढ़े मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनकी संपत्ति बढ़े, जो इनकी संपत्ति जब इनकी सैलरी आती है इस शेद वाली थैली में रखते हैं, बीमारियों में संकटों में नशों में बीमारियों में संकटों में निराशाओं में बीमारियों में हर जगह इनका पैसा लग रहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो पैसा लगना बंद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पर मेरे पिता आप इन्हें फलवंत करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आपने कहा कि तू तुम्हारी कमाई को निश्चय खा नहीं पाओगे, लेकिन इनकी कमाई कौन खा रहा है? इनकी कमाई शैतान खा रहा है, इनकी कमाई बीमारी खा रही है, इनकी कमाई कोई और खा रहा है मेरे पिता, इनकी कमाई इनके रिश्तेदार खा रहे हैं मेरे पिता, इनकी कमाई इनका दोस्त खा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी। इनका जीवन मजबूत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, ये ब्लेस हो जाए मेरे पिता, ये अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए। आज इनके लिए मैं आशीष मांगता हूँ, ये अपनी कमाई को खाने पाए। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो पैसे जोड़ रहे हैं लेकिन उनके पैसे जुड़ नहीं पाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके पैसे जुड़ जाए मेरे पिता, इनके पैसे जुड़ जाए। और मैं अभी देख रहा हूँ आत्मा में कि कुछ लोग भेंट दशमांश निकालते हैं, लेकिन जब उन्हें जरूरत होती है उसमें से निकाल लेते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के हिस्सा ना निकालें, क्योंकि जो कुछ मर्जी हो जाए और आप परमेश्वर के हिस्से को कभी छेड़छाड़ मत करें। और यही वचन कहता है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, और जो आप अपनी कमाई को खाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये धन्य होने पाए मेरे पिता, ये अपनी कमाई को खाने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आपको वचन कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा मेरे पिता, मैं तेरे ऊंची ऊंची भूमियों पर लेकर जाऊंगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रभु आपके अंदर से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा प्रभु जी, आपको वचन में लिखा हुआ मेरे पिता ये आगे आगे चले मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह जी, आप इनका संग संग चले मेरे पिता। ये जो सोचते हैं चल कल करते हैं ऐसे करके ये डर रहे हैं, ये अपने पांव को नहीं बढ़ा पा रहे हैं मेरे पिता, अपने बिजनेस के पांव को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अपने रिश्ते के पांव को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु आपको वचन कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमारे आगे आगे चले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे आगे आगे चले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हम महान हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं कि बीतती हुई बातों को लेकर बैठे हुए हैं मैं देख रहा हूँ कि ऐसे लोग जो बीतती हुई बातों को लेकर बैठे हुए हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन वचन क्या कहता है, यशायाह 43 में लिखा हुआ है, अब बीतती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, और सच में देखो एक नई बात करता हूँ। और परमेश्वर आज आपके लिए एक नई बात कर रहे हैं, और आपके लिए एक ब्लेसिंग ला रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके लिए एक ब्लेसिंग ला रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके लिए एक ब्लेसिंग ला रहे हैं। और राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका बड़ी ब्लेसिंग इनको प्रभु नहीं पाए मेरे पिता, और इनको पर कृपा करो मेरे पिता, आपकी कृपा की इनकी जरूरत है मेरे पिता, आपके दया की इन्हें जरूरत है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनको पर अपनी कृपा दृष्टि करो, ये फलवंत होने लगे, और मेरे पिता इनके संग संग चले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके वचन में लिखा हुआ है, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है मेरे पिता, जिनका संतान नहीं हो रही है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, या जिनका डिलीवरी में प्रॉब्लम आ गई है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और जो बांझपन है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक बांझपन को मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और ये बेटे से ब्लेस होने पाए मेरे पिता। और जिनकी डिलीवरी डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है, ये ऑपरेशन कैंसिल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और जो लोग कहते हैं हमें लड़के का आशीष मिले मेरे पिता, हमें बेटे का आशीष मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपको वचन कहता है तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे, और जिनके
बच्चे जो ऐसे बीमारियों पड़े हुए हैं, जब से हुए तब से बीमार, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक अंधकार के बंधन को तोड़ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक अंधकार के बंधन को तोड़ता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप महान है मेरे पिता। आपने कहा मैं धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बो गया है मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु, हमारा मन सीधा होने पाए मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा आपने हमारे लिए ज्योति को चुना है मेरे पिता, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग जो अंधकार में चल रहे हैं मेरे पिता, वो अंधकार दूर होने पाए मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु जी, और सीधे मन वाले के लिए आनंद बोया है मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपको वचन लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी त्राई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरे पिता, जो भी इनको पर हानि आती हैं, जो लोग घबरा जाते हैं, संकटों को देखे घबरा जाते हैं, मुसीबतों को देखे घबरा जाते हैं मेरे पिता, इनका जीवन में ऐसा ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके बीच में ऐसा ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और ब्लैस होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो जादू टोने के अंदर बंधे हुए हैं मेरे पिता, जिनके ऊपर जादू टोने किया गया, जिनके ऊपर रात को जिन्हें नींद नहीं आती है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और जिनको रात को भूत दिखाई देते हैं एक उनके ऊपर दबाव पड़ता है, ऐसा उनको रात को पसीना आता है, उनकी सांस फूलती है, उन्हें रात को ऐसे एकदम से उनको ऐसा एक भारीपन लगता है, उन्हें लगता है कि मेरे पास बैठा हुआ है, उन्हें लगता है कि मतलब कि हल्का सा कोई खड़का होता है और हल्की उसकी आवाज़ आती है, वो रात को डर जाते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से हर एक बंदर को मैं तोड़ता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कहा मेरे पिता, आपने हमें अधिकार दिया है मेरे पिता, हर एक बंधनों से आज़ाद होने पाए, हर एक शैतान के बंधनों को मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आप हमारी सुरक्षा करें मेरे पिता, जिन लोगों ऊपर दुर्घटनाएं लिखी गई हैं मेरे पिता, ये सुरक्षित होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये सुरक्षित होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जो लोग दर्शन चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इन्हें दर्शनों से ब्लेस करो मेरे पिता, आपका दर्शन देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और शैतान का राजा ढह दिया जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और राज्यों का राजा और प्रभुओं का प्रभु मेरे पिता, इनका विश्वास को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जो बंधनों में है मेरे पिता, उनके प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, इनके हर टीबी की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाए मेरे पिता, हर पीसीओडी की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाए मेरे पिता, लिकोरी की बीमारी जाए मेरे पिता, हर एक लेडीज गुप्त प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक लेडीज गुप्त प्रॉब्लम, हर गुप्त बीमारियाँ निकलने पाए मेरे पिता, हर एक एलर्जी निकलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक कैंसर निकलने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और कईयों के ऐसे फोड़े हो रखे हैं बॉडी के अंदर, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो फोड़े दूर होने पाए, वो फुंसियाँ दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर एक रोग हर एक बीमारी निकलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर स्किन एलर्जी दूर होने पाए मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, याशीष होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और राजाओं के राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका बंधन टूटे मेरे पिता, हर एक इनकी जो बीपी की प्रॉब्लम दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, कैंसर दूर होने पाए, एचआईवी दूर होने पाए मेरे पिता, और राजाओं के राजा हृदय की बीमारी दूर होने पाए मेरे पिता, हर एक रोगों से इन्हें छुटकारा मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, दुष्टात्मा से इन्हें छुटकारा मिले मेरे पिता, आंखों में जिनका प्रॉब्लम है आंखों से हर एक बीमारी आंखों के निकलने पाए मेरे पिता, हर एक बुखार निकलने पाए मेरे पिता, हर एक जोड़ों में जो भी बुखार चला गया है मेरे पिता, जो निकलने का नाम नहीं ले रहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये चंगाई को पानी पाए मेरे पिता, छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु जी, अमहान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु, अमहान हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अमहान हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और रब असल लख रवण मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और जो लोग खो चुके हैं, जो अपना धन खो चुके हैं, जो अपना बिजनेस खो चुके हैं, जो अपने परिवार खो चुके हैं, जो अपनी संतान खो चुके हैं मेरे पिता, इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता, इन्हें संतान की प्राप्ति होनी पाए मेरे पिता, और मेरे पिता जिनका बिजनेस डूब गया है मेरे पिता, इनका बिजनेस फिर खड़ा हो जाए मेरे पिता, वो आपने कहा मेरे पिता मैं शैतान के मुंह से गुलवा दूंगा मेरे पिता, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, आशीष हो जाए मेरे पिता, हर एक रोग निकलने पाए, हर एक बीमारी निकलने पाए मेरे पिता, जिनका धन डूब गया है मेरे पिता, इन्हें धन मिलने पाए, जिनके रिश्तेदार, जो उनका भाई, इनके जो मामी, इनके चाचे, इनके ताऊ ने पैसे ले रखे हैं मेरे पिता, उन्हें मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका पैसा जो डूबा है उन्हें मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आपके सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु
आपके नाम को बढ़ा रहे हैं मेरे पिता, आपके वचन को बांट रहे हैं मेरे पिता, उनके ऊपर जो भी संकट है मेरे पिता वह हर एक संकट दूर होने पाए मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु जी इस देश को उद्धार के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, ये देश जाने मेरे पिता कि आप उद्धारकर्ता परमेश्वर हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, उनके कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, इनके कलीसिया फलवंत रहे, इनके कलीसिया आशीष रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनका परिवार ब्लेस रहे मेरे पिता, जिनका परिवार में लड़ाई झगड़ी है, जिनका परिवार में ऐसा जिनकी बनती नहीं है, जो एक दूसरे को मुंह नहीं देखना चाहते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका परिवार ब्लेस होने पाए मेरे पिता, हर एक स्थान का बंधन टूटने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जो चाहते हैं तो हमें मिरेकल मनी का आशीष मिले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें मिरेकल मनी का आशीष मिलने पाए जो लोग रिसीव कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ऐसे नाम वाले प्रभु इनके जीवन में मिरेकल मनी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये ब्लेस होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी महान हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और जिनके घर कहीं ने कब्जा कर लिया है उनका घर इन्हें मिलने पाए मेरे पिता, जिनके दुकान पर कब्जा हो गया इन्हें मिलने पाए, जिनके साधनों पर कब्जा हो गया इन्हें मिलने पाए, और राज्यों का राज्य जिनकी बाइक को उठा के ले गए फाइनेंस वाले प्रभु शमस का नाम से बाइक इन्हें मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, कर्जे से आजाद होने पाए मेरे पिता, आज इस विश्वास की प्रार्थना के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इस चमत्कार प्रार्थना के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, कर्जे से आजाद होने पाए मेरे पिता, इनका कर्जा निकले, इनका कर्जा निकले, इनका कर्जा निकले, इनका कर्जा निकले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आजाद होने पाए मेरे पिता, जो बाइक लेना चाहते हैं बाइक मिले, कार वालों को कार मिले, ट्रक वालों को ट्रक मिले मेरे पिता, बस वालों को बस मिले मेरे पिता, जो विश्वास चाहते हैं जो अपने काम के लिए जो चाहते हैं कि हमें बोलेरो मिले या ऐसे कोई साधन मिले जिससे सामान लोड करने वाले गाड़ी चाहते कुछ लोग ऐसा आपको मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, दया करने वाले रमनदीप कौर प्रभु आपको ब्लेस करे, संजना परमेश्वर आपको ब्लेस करे, संदीप कौर बहन परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके हर एक दुख परमेश्वर दूर करे, और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता, आप राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु है मेरे पिता, इनका डिवोर्स होने पर आगे है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका डिवोर्स कैंसिल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जो भी केस इन पर चल रहे हैं मेरे पिता इन केसों से आजाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और जो जेलों में है मेरे पिता ये जेलों से बाहर निकलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जिन पर झूठे केस हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु केस रद्द होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, इनका अच्छा रिजल्ट आने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनकी अच्छी जॉब मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इन्हें गवर्नमेंट जॉब के आशीष मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और जिन्होंने जो लोग चाहते हैं प्राइवेट जॉब मिले, और कुछ जो लड़कियाँ मैं देख रहा हूँ जो चाहते हैं कि हमें प्राइवेट जॉब मिले प्रभु आपके नाम से, इन्हें प्राइवेट जॉब मिले मेरे पिता, और राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आशीष होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जिनका एडमिशन नहीं हो रहे इनका एडमिशन होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अब महान है मेरे पिता, जो राजनीतिक पार्टी में आगे बढ़ना चाहते हो आगे बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अब महान हो आप राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु सर्वशक्तिमान हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, और जो लोग मांग रहे हैं इनको मैं 30 सेकंड देता हूँ मेरे पिता, ये 30 सेकंड में जो भी मांग रहे हैं वह स्वर्ग से पूरा होने पाए, आप मांगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और आज अब मांगी मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, फिर लास्ट प्रार्थना आपके लिए करता हूँ, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं, पूरा बस अल्लाह खरा बना मरी बीसी लिखी बना माँ पूरी बीसी लिखी रवाना मरा बस अल्लाह खरा बना माँ मेरे पिता रा बस अल्लाह खरा बना मरी बीसी लिखी भी ना माँ देखने वाले परमेश्वर बस अल्लाह खरा बना माँ मेरे पिता इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर रवा सला कर रवा न मरी बिसली किरी न मा ओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्होंने जो भी 30 सेकंड में मांगा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अपने स्वर को खोल मैं देख रहा हूँ मेरे पिता कि आज की प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन में बड़े बड़े काम होने वाले हैं, इन्होंने जो भी मांगा है प्रभु मसीह के नाम से इन्हें स्वर्ग से मिलने वाला है मेरे पिता, इन्हें स्वर्ग से मिलने वाला है मेरे पिता, इन्हें स्वर्ग से मिलने वाला है, और आप सब मिलकर कहें आमीन, हम रिसीव करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में चमत्कार कर दिया है, हम रिसीव करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में चमत्कार कर दिया है, हम रिसीव करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर रोगों से छुटकारा दे दिया है मेरे पिता, इन्होंने जो भी मांगा था चाहे हर एक रोग से छुटकारा, चाहे धन संपत्ति की आशीष, चाहे इनके फैमिली प्रॉब्लम, इन्होंने जो भी मांगा था प्रभु उन्हें पूरा करें, और आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से।